ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, पर इसमें कुछ अलग है। तो फिर से हम एक काम करते हैं, वही करते हैं। लेंथ इज इक्वल्स टू एक्स, ब्रेथ इज इक्वल्स टू वाई। अब देखो इसमें बोला गया हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जो लेंथ है वो दो गुना ज़्यादा है, तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स इज इक्वल्स टू टू वाई। एंड इट्स एरिया, एरिया होता है एक्स वाई इज इक्वल्स टू 800। तो हम एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर दे रहे हैं, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा टू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 80, ठीक है। उसके बाद 800 सॉरी, इसको हम कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 400। तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 400 का रूट होता है 20 मीटर्स। प्लस माइनस आएगी, हम माइनस वाले को कैंसिल कर देंगे क्योंकि लेंथ और या ब्रेथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई है 20 मीटर्स। और अगर 20 ये है तो यहाँ पे जब हम 20 वैल्यू पुट करेंगे ब्रेथ की, तो x जो हमारी लेंथ जो है वो 2 × 20 इज इक्वल्स टू 40 मीटर हो जाएगी। तो येस इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन अ मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस एज इट्स ब्रेथ, वेयर द लेंथ विल बी 40 मीटर्स एंड द ब्रेथ विल बी 20 मीटर्स।